हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज़ ब्रेड सैंडविच। बहुत ही इजी क्विक स्नैक है। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो उसके लिए ये मैंने बॉयल पोटैटोस को मैश कर लिया है। आप चाहें तो ब्रेड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, बारीक चॉप की हुई प्याज। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे। तो ये मिक्सचर बनकर रेडी हो गया, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे। तो ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। एक पर हम स्टफिंग लगाएंगे और दूसरा हम उस पर कवर करेंगे, इसलिए मैंने चार ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। तो ये ब्रेड स्लाइसेस रख दिए हैं, इस पर हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग ऐड कर पहले स्टफिंग हम इस पर रख देंगे, फिर हम इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। तो अब हम पहले इसको स्प्रेड करेंगे, फिर अगर हमें लगेगा कि हमें और स्टफिंग लगानी है तो फिर हम इसमें लगाएंगे। तो अच्छे से हमने स्टफिंग जो है वो स्प्रेड कर दी है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस से और हल्का सा प्रेस कर देंगे। और अब हम स्टोव पे जो है तवा गर्म होने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने तवा होने के लिए गर्म रख दिया था और इस पर मैंने ऑयल भी डाल दिया था। तो अब इसमें हम ये हमारे ब्रेड स्लाइसिस रख देंगे और 2 मिनट तक हम इसका एक साइड जो है वो कुक कर लेंगे। तो साइड चेंज करेंगे और हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। अंदर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसका। मैंने हल्का सा ओपन करके देखा था, बहुत ही क्रीमी है। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं। तो दूसरा साइड भी इसका अच्छे से कुक कर लेंगे। एक ब्रेड हमारी फ्राई हो गई है तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप अपने फेवरेट शेप में जो है वो कट कर लें। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी चीज़ पोटैटो ब्रेड सैंडविच रेडी हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ एग टोस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले। उसके लिए हमने 2 अंडे लिए हैं। इसको हम विस्कर से विस्क कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से हमने इसको विस्क कर लिया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये नमक ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अब हम इसमें ये मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो गई है चीज़ इसमें। अब हम इसमें ये कैप्सिकम ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे, बारीक चॉपी हुई प्याज डाल देंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वो मिक्सचर बन के रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट सा। तो ये मिक्सचर रेडी हो गया है। मिक्सचर रेडी करके रख दिया है। उसके बाद ये मैंने ब्रेड स्लाइस लिए थे 2, जिसको मैंने इसे सैंडविच के शेप में कट कर लिया है। तो अब हम टोस्ट बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने गर्म होने के लिए पैन में रख दिया है। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसको मिक्सचर में अच्छे से हम डिप करेंगे, ये चारों तरफ से अच्छे से इसमें डिप हो जाए। फिर हम इसको पैन में डाल देंगे। तो अब हम इसको पैन में डाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा भी रख देंगे।
तो ये टोस्ट हमने फ्राई होने के लिए पैन में डाल दिए हैं। अगर आपको ऊपर वेजेस कम लग रही हो तो आप चम्मच से ऊपर वेजेस इस पर डाल दें। तो ये मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, जैसे ही हल्के से गोल्डन ब्राउन होते हैं तो हम इसको पलट देंगे। तो अब हम इनको पलटेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट कलर आया है। इसी तरह हम इसको भी पलट लेंगे। देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन कलर आया है, बहुत ही क्रिस्प लग रहे हैं। बस इनका दूसरा साइड कुक होते ही हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो हमारे टोस्ट फ्राई हो गए, हम इनको निकाल लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से चीज़ एक टोस्ट रेडी हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम किड्स स्पेशल चॉकलेट सैंडविच बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। तो पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो उसके लिए मैंने ये चार ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, चीज़ लिए हैं, मोज़रेला, चॉकलेट स्प्रेड लिया है और बटर लिया है ब्रेड को टोस्ट करने के लिए। तो अब हम सैंडविच बनाने की तरफ चलते हैं। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और अब इस पर हमारी चॉकलेट स्प्रेड हम स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से हमने इस पर चॉकलेट स्प्रेड कर देनी है। एक ब्रेड स्लाइसेस पे हमने चॉकलेट स्प्रेड कर ली है, इसी तरह हम दूसरे पर भी स्प्रेड कर लेंगे। दो ब्रेड स्लाइसेस पे हमने चॉकलेट स्प्रेड कर दी है। अब ऊपर से हम थोड़ी सी चीज़ ग्रेट कर देंगे। मोज़रेला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम दूसरे ब्रेड स्लाइसेस से इसको कवर कर देंगे। दोनों को हमने कवर कर दिया। अब हम इसको टोस्ट करेंगे। तो ब्रेड को टोस्ट करने के लिए हमने तवा रख दिया है। इस पर हम 1 टेबल स्पून के करीब बटर ग्रीस करेंगे। बटर को ग्रीस करेंगे, बटर मेल्ट हो गया। इस पर हम हमारी ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे। ब्रेड स्लाइसेस हमने रख दिए और ऊपर से भी हम थोड़ा सा बटर जो है इस पर अप्लाई कर देंगे, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो ये अच्छे से दूसरी साइड से भी टोस्ट हो जाए। 15 से 20 सेकेंड तक हम इसकी एक साइड को कुक करेंगे, फिर टर्न करके 15 से 20 सेकेंड फिर कुक करेंगे। ब्रेड स्लाइसेस को टर्न करेंगे, देखिए परफेक्टली कुक हुए हैं, वाला भी टर्न करेंगे। अब इसका दूसरा साइड भी 10 से 15 सेकेंड तक कुक होने देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक ब्रेड स्लाइस को लेंगे और अब इसको हम कट करेंगे सैंडविच की शेप में। तो ये कट हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका करीब से क्लोजअप देख रहे हैं आप। बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो है सैंडविच तैयार हो गया है। अब हम दूसरे वाले को भी कट कर लेंगे। तो इसको दिखने में और भी अच्छा करने के लिए और टेस्ट में और भी अच्छे करने के लिए हम इस पर थोड़ी सी और चीज़ ग्रेट कर देंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितनी चीज़ आपको पसंद है आप इस पर उतनी चीज़ ग्रेट करें। तो ये मैंने ग्रेट कर दी है। तो ये हमारे मज़ेदार से चॉकलेट सैंडविच तैयार हो गए हैं।